नमस्कार। कोरोना के बाद किसी तरह से ऑटो सेक्टर देखे खड़ा होने के फिराक में है और खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद जितनी इस इंडस्ट्री पर पड़ी उतनी किसी भी इंडस्ट्री पर नहीं पड़ी। और ये बात खुद इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और कंपनियां भी कह रही हैं और वो सरकार से चाहती हैं कि सरकार इस मामले में कुछ करे। लेकिन जो भी हो, अब ये लग रहा है कि इस सेक्टर की समस्या जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे बाजार खुल रहे हैं ठीक वैसे वैसे मार्केट रफ्तार भी पकड़ रही है और मांग भी बढ़ रही है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और देखिए, खरीदारी के मूड में भी है। अब ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। तभी तो देश के प्रमुख कैब प्रदान करने वाली कंपनी ओला ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 प्रो को 15 अगस्त को अनवील किया। कंपनी ने S1 की कीमत 99,999 रुपीज रखी, जबकि S1 प्रो की कीमत 1,29,999 रुपीज। उपरोक्त कीमत एक्स शोरूम है, जिसमें देखिए केवल फेम 2 सब्सिडी शामिल की गई है। अब नया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 अगस्त को बिक्री के लिए लाया जाएगा। और आपको ये जानकारी देते चले कि भाई हाल ही में कंपनी के को फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने ये बताया था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी ने 2 दिनों के भीतर तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की यूनिट्स बेची है। जानकारी देते चले, स्कूटर की डिलीवरी अक्टूबर में शुरू होगी और इसकी पहली खेप देश में पहले ही बिक चुकी है। तो ओला के CEO भविष्य अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि इसको खरीदने के लिए नई विंडो 1 नवंबर 2021 को फिर से खुलेगी। हालांकि ग्राहक अभी भी इसको 499 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं। अब देखिए, पावर के लिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक हाइपर ड्राइव मोटर का उपयोग करती है, जो कि तकरीबन 8.5 किलोवाट की पावर देती है। S1 वेरिएंट 33.6 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल भी कर सकता है। तो ये 2.98 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है और इसमें देखिए 2 राइडिंग मोड नॉर्मल और सपोर्ट मिलता है। तो वहीं ओला S1 प्रो 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है और 115 किलोमीटर की माइलेज भी देती है। इसमें तकरीबन 3.97 किलोवाट का बैटरी पैक भी है और इसमें देखिए 3 राइडिंग मोड है, एक नॉर्मल है, सपोर्ट है और डायपर भी इसमें दिया है। टॉप एंड S1 प्रो को देखिए 10 कलर ऑप्शंस में और 3 अतिरिक्त फीचर्स हिल होल्ड सिस्टम क्रूज और कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट में के साथ भी खरीदा जा सकता है। अब देखिए, ओला S1 और S1 प्रो पोर्टेबल होम चार्जर के साथ आते हैं, जो लगभग तकरीबन देखिए 4.5 घंटे से लेकर 6.5 घंटे में चार्ज होते हैं। और कंपनी 400 शहरों में देखिए तकरीबन 1 लाख जगहों के साथ साथ ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क विकसित करने पर भी अब काम कर रही है, ताकि इसके ग्राहक अपने ई स्कूटर को 18 मिनट में 75 किलोमीटर तक चार्ज कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि ओला के इस स्कूटर की जनता ने कैसे स्वागत किया और इसको लेकर ओला आखिरकार कितना खुश है। इसके साथ ही साथ ऑटो सेक्टर निराश के दौर से आशा के दौर में भी आने वाला है, ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है।